में और पूरा ईएमओ 400 फाइलों की थी, इसकी पोस्ट फैक्टर अप्रूवल के लिए वहाँ भेजी गई थी। उसके बाद से अब ये दोबारा हमने जब भेजी थी कैबिनेट में करके इसका दायरा बढ़ा के भेजा था उसको, अब इन्होंने कहा इसको भारत सरकार से पूछ लेना है। तो पुराना जो लोगों ने लोन ले रखा उनका क्या होगा? वो तो जारी रहेगा कि जो बच्चे पहले स्कीम पिछले साल जब लागू की थी 2 साल पहले तब सिर्फ इतनी थी कि दिल्ली के स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे तो दिल्ली के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन अगर वो दिल्ली में परस्यू कर रहे हैं चाहे स्किल एजुकेशन कर रहे हैं आईटीआई कर रहे हैं या कोई भी एजुकेशन कर रहे हैं तो उनके लिए 10 लाख तक के लोन की गारंटी और लैपटॉप किताबें फीस हॉस्टल और फीस वगैरह सब चीज़ों का सबकी गारंटी लोन देती है। लेकिन अब हमने इसको बढ़ाया था कि अगर दिल्ली के बच्चे देश में कहीं भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आई आई एम से कर रहे हैं या आई आई टी से कर रहे हैं या किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं अगर किसी सरकारी इंस्टीट्यूट से अपना पोस्ट परस्यू कर रहे हैं तो उसको भी हम ये लोन की गारंटी दे रहे हैं। अब तो इन्होंने दोनों पे लोग पढ़ा दिया। दिल्ली के बच्चों से ऐसी क्या दुश्मनी है?